नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी सीरीज की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। हमने सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, थर्ड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, CSIR, NET, GATE और JAM IIT में आने वाले टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के वो स्टडी कर रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम में हम MSc प्री और फाइनल की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे और BSc फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको आप लाइक कीजिए यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि अपने से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। हम लोग जो CSIR, NET, GATE और IIT JAM में आने वाले टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे थे, इस केमिकल काइनेटिक्स में हमने जो स्टडी किया वो सबसे पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन स्टडी किया था, उसके बाद हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी स्टडी किया, उसके बाद जो है वो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस स्टडी की थी और उनके लिए हमने हाफ लाइफ निकाली थी। उसके बाद हमने जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी जिनमें हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी और सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। हमने बहुत सारे ग्राफ्स भी आपको प्लॉट करके सिखाए थे और ग्राफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। अब हम जो अगला टॉपिक्स करने जा रहे हैं वो है इन ऑर्डर्स को निकालने के मेथड्स। मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि हम दो तरीके की रिएक्शन स्टडी करते हैं, सिंपल रिएक्शंस जिनको एलिमेंट्री रिएक्शंस कहा जाता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सिंपल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं और जिनमें जिनका इंटरमीडिएट हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं या कहें कि बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म में बनता है। इनका नॉर्मली ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम ही होती है, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस को छोड़ के इनके ऑर्डर और नॉर्मल मॉलिक्यूलरिटी इक्वल ही होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो है वो उनके इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप्स होती हैं वो उसमें इंटरमीडिएट कंट्रीब्यूट कर रहा है, मींस हमारे रेट लो में इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशंस भी आती हैं और हमें ये पता होता है कि इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। बहुत कम होगी तो हम उसको आइडेंटिफाई इतनी आसानी से या उसकी कंसंट्रेशंस में चेंजेस बहुत आसानी से नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनके लिए एक मेथड दिए गए थे, स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के ऑर्डर निकालने के लिए हम दो मेथड्स पढ़ेंगे, स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट्स और इक्विलिब्रियम मेथड। आज हम आप लोगों का जो स्टार्ट कराएंगे वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के मेथड स्टडी कराएंगे, जिसमें हमने दो या तीन मेथड तो आप हमने पढ़ भी लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाता है ये हमने खूब अच्छे से स्टडी किया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है ये भी हमें पता होता है, ये मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, हाफ लाइफ के द्वारा किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है हमें सबकी हाफ लाइफ पता है, तो ये प्रोसेस आज हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टॉपिक का नाम है मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के मेथड्स स्टडी करेंगे। मैंने क्या बताया था, दो तरीके की रिएक्शंस पढ़ी हैं, सिंपल जिसको एलिमेंट्री रिएक्शंस भी कहा था और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को, रिएक्शंस के ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड्स हैं, कौन कौन से? स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट या अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन मेथड, और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, और इक्विलिब्रियम मेथड। ठीक है, अब आते हैं सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शंस में हाफ लाइफ मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, तीसरा है इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड, चौथा है वन हाफ डिफरेंशियल मेथड, और पांचवा मेथड है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, आइसोलेशन मेथड। ये मेथड एक्सेस, किसी की कंसंट्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम रेट की इक्वेशंस को, जब रेट को डिफाइन कर रहे थे तो हमने ये कहा था इफेक्टिवली चेंज कंसंट्रेशंस, इफेक्टिवली चेंज कंसंट्रेशंस। तो यदि एक्सेस में हम उसकी कंसंट्रेशंस लेते हैं तो उनमें इफेक्टिवली चेंज नहीं होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम ऑर्डर जीरो कर देते हैं। अभी पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। आइसोलेशन मेथड ये ओस्टवाल्ड ने दिया था, इसलिए इसको ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी कहा जाता है, या ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड भी कहा जाता है। डाइल्यूशन का मतलब एक की कंसंट्रेशन बहुत कम कर दी जाती है, बाकी की उसके कंपैरिजन में एक्सेस में रखी जाती है, तो जिसकी कम की है उसकी, उसके रेस्पेक्ट में हमें ऑर्डर मिल जाता है, और बाकी की जो एक्सेस में की है वो इफेक्टिवली चेंज ही नहीं होगा। तो रेट लॉ की इक्वेशंस में जब हम लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑर्डर की डेफिनेशंस बताई थी, तो कहा था कि ऑर्डर क्या है, उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की पावर होती है जो इफेक्टिवली कंसंट्रेशंस चेंज होती हैं। यदि इफेक्टिवली कंसंट्रेशंस कब चेंज होंगी, जब एक इफेक्ट अमाउंट चेंज हो, इफेक्टिवली अमाउंट चेंज हो। यदि बहुत ज्यादा चेंजेस हुए उसमें, बहुत कम चेंजेस हुए जिनको हम इजीली मेजर नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको नहीं निकाल पाएंगे। तो ये उसी के ऊपर बेस है आइसोलेशन मेथड्स। अब हम सबसे पहले चलते हैं हाफ लाइफ मेथड में। ये थे हमारे पास ऑर्डर निकालने के मेथड। सिंपल रिएक्शंस में हम पांच मेथड काम में लेते हैं, हाफ लाइफ मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड्स, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेथड जो है वो बहुत लेंथी होता है। हर एक इंटीग्रेटेड इक्वेशंस में हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं और के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यदि जिस भी वैल्यू के लिए के की, जिस भी ऑर्डर की रिएक्शंस का के कांस्टेंट आता जाता है, उस ऑर्डर को करते हैं। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, हम बार बार मतलब ट्रायल करते रहते हैं, हमें नहीं पता कि जो हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ले रहे हैं वो सही निकलेगी भी या नहीं निकलेगी, तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये सबसे बैड मेथड है। उसके बाद वन हाफ डिफरेंशियल मेथड पढ़ेंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करते हुए, क्योंकि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की पावर एन, उसका यूज करते हुए हम इस मेथड से एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और आइसोलेशन मेथड आपको मैंने समझा दिया था कि आइसोलेशन मेथड में हम बाकी सबकी कंसंट्रेशंस
एक्सेस में कर देंगे या कहें कि एक को बहुत डाइल्यूट कर देंगे। डाइल्यूट करेंगे तो उसमें डाइल्यूशन का मतलब है उसमें कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत कम है। यदि जरा सी भी चेंज हुई तो इफेक्टिवली चेंज हुआ मीन्स उसके रेस्पेक्ट में हम ऑर्डर निकाल लेंगे, फिर ऐसे ही उसको एक्सेस कर लेंगे, जिसको हमने एक्सेस किया था उसको लो कर देंगे तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकल जाएगा। लास्ट में सबका टोटल क्या है उस रिएक्शन का ऑर्डर निकल जाएगा। तो ये तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाफ लाइफ मेथड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहला मेथड है हाफ लाइफ मेथड। हमें पता है कि हाफ लाइफ जो रिएक्शंस की हाफ लाइफ होती है, एन ऑर्डर की रिएक्शंस की हाफ लाइफ, वो उनकी कंसंट्रेशंस के पावर के एन माइनस वन वाली पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपने टी हाफ निकाला होगा, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ जो होती है टी हाफ किसी भी ऑर्डर की, मैं एन ऑर्डर की बात कर रही हूँ, एन ऑर्डर की बात कर रही हूँ, एन ऑर्डर के रिएक्शन की, तो हम कैसे दिखाते हैं टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन। देखो आप जीरो ऑर्डर की होती है रिएक्शन तो एन की जगह जीरो रखते, वन अपॉन ए की पावर माइनस वन, ये ए कहाँ चला जाता, ऊपर। तो हमारा जीरो ऑर्डर का टी हाफ क्या था, किसके प्रोपोर्शनल था, ए के प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, सेकंड ऑर्डर का टी हाफ ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ये देखा था हमने, इस तरीके से देखा था। ये तो तीन हमें याद ही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एन ऑर्डर की रिएक्शन का हाफ लाइफ जो होती है वो उसकी कंसंट्रेशन के एन माइनस वन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसकी कंसंट्रेशन की पावर एन माइनस वन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यही था हाफ लाइफ। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स, दो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ क्या होगी। मैंने ये कहा डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, टू डिफरेंट कंसंट्रेशन, क्या कहा मैंने कि जब इसको मैं एक को A1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक को A2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जब मेरा A1 था कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A1 थी इनिशियल कंसंट्रेशन, तब टी हाफ जो निकल के आया है वो इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और जब A2 कंसंट्रेशन रखी हमने, जब उसकी A2 कंसंट्रेशन रखी तो मेरा टी हाफ जो निकल के आया है वो उसको मैं 2 से रिप्रेजेंट करूँगी। तो इससे तो टी हाफ क्या हुआ, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अप इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए की पावर एन माइनस वन, या कहें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन, कौन सा वन वाला, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो, इसको भी यहाँ वन नंबर, ठीक है। वैसे ही टी हाफ कौन सा वाला, सेकेंड क्या होगा, वन अपॉन ए टू की पावर एन माइनस वन, इसको टू दे दो, इक्वेशन वन को टू से डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे यहां इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट काम में लोगे, इसमें भी वही कांस्टेंट आएगा, इसमें भी वही कांस्टेंट आएगा, मीन्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, कुछ इस टाइप की आ जाएगी क्या, वन टी हाफ टू इक्वल टू 1 अपॉन ए वन की पावर एन माइनस वन अपॉन वन अपॉन ए टू की पावर एन माइनस वन, क्या होगा ये अपॉन वाला यहाँ चला जाएगा बेटा। तो ये इक्वेशंस कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी क्या, ए टू की पावर एन माइनस वन और ए वन की पावर एन माइनस वन। इस इक्वेशंस को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, आपको जिस फॉर्म में याद रहे उस फॉर्म में याद कर लेना इसको, ए वन अपॉन पहले ए टू अपॉन ए वन समझ लो, ए टू अपॉन ए वन
इनकी पावर तो क्या गई n माइनस वन। मैं इसको इनवर्स करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, ए वन अपॉन ए टू की फॉर्म में लिखूंगी तो इसकी पावर भी इनवर्स हो जाएगी और पावर क्या होगी, वन माइनस एन। जो माइनस वाला था वो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और जो नेगेटिव था वो, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव फॉर्म में आ गया। चलो आगे, ये चीजें समझ में आई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस एन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना होगा, इस एन की वैल्यू निकालने के लिए मैं लॉग ले लूं, दोनों तरफ लॉग लूंगी तो क्या होगा, एल एन टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू किसके इक्वल हुआ, एल एन ए वन अपॉन ए टू इसकी पावर वन माइनस है, यही होगा। क्या करना है आपको, लॉग की फॉर्म में चेंज कर लो 2.303 से, तो दोनों तरफ 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या, लॉग टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू किसके इक्वल आया, लॉग ए वन अपॉन ए टू इसकी पावर वन माइनस है, लॉग ए वन अपॉन ए टू इसकी पावर वन माइनस एन। इस वैल्यू का यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, इनका एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, लॉग, हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, क्या आएगा, वन माइनस एन इसके इक्वल क्या है, लॉग ए वन अपॉन ए टू, यही हुआ बेटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, एन की, तो मैं इस पूरे पोर्शन को इसके नीचे भेज दू तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, लॉग टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू अपॉन में लॉग ए वन अपॉन ए टू, यही आया बेटा। ये ऐसे कैसे उठ के इसके नीचे चला गया और यहां क्या बचा, वन माइनस एन, किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की, तो एन को तो इधर ले आओ और इस पोर्शन को यहां भेज दो, तो एन की वैल्यू क्या आई, वन माइनस लॉग टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू अपॉन में लॉग ए वन अपॉन ए टू, ये आपका फॉर्मूला बन गया एन को निकालने का। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। कब निकाल सकते हैं हम, जब हमें दो कंसंट्रेशंस पे दो हाफ लाइफ मिले, जब आपको डाटा इस तरीके से मिले कि दो कंसंट्रेशंस दे रखी है अलग अलग एक ही रिएक्शंस की और उन दोनों कंसंट्रेशंस पे उनका हाफ लाइफ भी अलग दे रखी हो और आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए। देखो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस है, द हाफ लाइफ ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज 20 minutes. The half-life of decomposition of a compound is 20 minutes. If the initial concentrations of a compound is double, if the initial concentration of a compound is double. क्या कर दी हमने उसकी कंसंट्रेशंस को, भाई जब कुछ कंसंट्रेशन थी तब तो उसकी 20 मिनट्स थी, हमने ये कहा कि यदि हम उनकी इनिशियल कंसंट्रेशंस को क्या कर दें, डबल, देन हाफ लाइफ रिड्यूस्ड टू 10 मिनट्स, 10 मिनट्स तक वो रिड्यूस हो जाती है।
फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। क्या दिया हुआ है आपको, देखो हाफ लाइफ का जब हाफ लाइफ, मान लो मैं कैसे करूंगी, यहां टी हाफ लिखो और यहां पे कंसंट्रेशन लिखो। स्टार्टिंग में जब हमें कोई कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, मैंने सी माना है, उस टाइम मेरा टी हाफ जो है वो 20 मिनट्स है, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल, कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल करेंगे तो टी हाफ की, मैं कंसंट्रेशन को डबल करूंगी तो सी से कितना हुआ, 2C, इतनी तो कंसंट्रेशन हुई। टी हाफ क्या हो गया, 10 मिनट्स तक रिड्यूस हो गया, मीन्स 10 मिनट हो गया, ये हुआ कि जब मेरी कंसंट्रेशन सी थी तब 20 मिनट्स टी हाफ था। दिया हुआ है कि द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज 20 मिनट्स, मीन्स हमें कोई कंसंट्रेशन नहीं दी। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कंपाउंड की डबल कर दी, मीन्स पहले सी थी तो अब क्या कर दी, 2C, तो हमारी जो हाफ लाइफ है वो 10 मिनट्स तक रिड्यूस हो गई। हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। क्या फॉर्मूला आप काम में लोगे, आपने अभी पढ़ा था टी हाफ 1/T½ 2 किसके इक्वल था बेटा, A2/A1 इसकी पावर n-1। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या A1/A2 इसकी पावर 1-n ये यूज कर सकते हो या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको जिससे कैलकुलेशन आसान लगे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो अब T1 मेरा 20 मिनट्स था, ठीक है, और T2 मेरा क्या है, 10 मिनट्स इक्वल टू A2 क्या है, 2C, और A1 क्या है, C। रख दिया C से इसकी पावर क्या है, n-1। C से C कैंसिल आउट, 1 से 0 कैंसिल आउट, यहां 2 आया इक्वल टू 2 की पावर n-1, मीन्स यहां 1 है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम होती है इक्वल साइन लगने पे, ध्यान रखना जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है जब वो दोनों की वैल्यू बराबर होती है। इक्वल दिया हुआ है साइन आपको, तो क्या होगा, n-1 की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, इसको इधर भेजो, 1+1 क्या निकल के आ गई, 2। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। क्या किया है हमने, ध्यान से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो चाहे, कि हमने, हमें जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था उसकी हाफ लाइफ की, किसी कंसंट्रेशन सी पे उसकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स है, उसके बाद हमने उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट्स तक रिड्यूस हो गई, मीन्स 2C पे वो मिली हमें 10 मिनट्स, ठीक है। हमने वो वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखी है और इसको सोल्व कर लिया। लॉग वाली फॉर्म में जाओगे तो भी आपको, लेकिन लॉग से ज्यादा आसान इस वाली फॉर्म में आपको रहेगा, क्योंकि आप सबके बेस सेम कर लेना और बेस सेम करते ही पावर सेम हो जाएंगी। मैं सारे क्वेश्चंस आपको इसी फॉर्मूले से करवा दूंगी। ये फॉर्मूला तो हो सकता है कई बार आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे, तो आपको याद होना चाहिए किस, ये फॉर्मूला है एन ऑर्डर निकालने का, किससे, हाफ लाइफ मेथड से। ये फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने ये बताया, बाकी मुझे सबसे आसान मेथड यही लगता है, क्योंकि इनमें हम पावर सेम कर लेते हैं, वहां तो लॉग की वैल्यू लोगे और बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप ये वाला मेथड डायरेक्ट काम में ले लेना। चलो आगे, अगला एक क्वेश्चन करा रही हूं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ लेना आप लोग पहले। फॉर ए रिएक्शन A to P व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल, हाफ लाइफ बिकम फोर्थ टाइम, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन A से प्रोडक्ट बना, ठीक है, आपको दिया हुआ है व्हेन
कंसंट्रेशन व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट डबल देन द हाफ लाइफ बिकम फोर्थ टाइम्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी ऑर्डर निकालना है. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल, क्या करोगे? सबसे पहले टेबल बना लो. टेबल से आसानी होती है आपको. टी हाफ, एक साइड टी हाफ लिखो और एक साइड कंसंट्रेशन लिखो. क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन पहले सी मानी, पहले कुछ भी नहीं देता है तो सी मान लो आप, और दूसरी बार वो क्या कर रहा है, उसको डबल कर रहा है तो टू सी कर दो. ये दिया हुआ है. जब सी कंसंट्रेशन थी तब मेरे पास टी हाफ थी, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ नहीं दी हुई अब आपको. आपको ये कहा कि उसके बाद जो है वो फोर टाइम इंक्रीज हो गई. क्या हुआ? फोर टाइम इंक्रीज हो गई. तो टी हाफ थी तो ये क्या हुआ? फोर टी हाफ. यही बना. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन दी हुई है कि कंसंट्रेशन को जब हम डबल कर देते हैं, ये देखो जब मैंने डबल किया तो उसकी जो हाफ लाइफ थी वो फोर टाइम्स इंक्रीज हो गई. यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है. तो हमें इसका ऑर्डर निकालना है. कैसे करोगे आप? वही फॉर्मूला अपना लो. टी हाफ वन वाला अपॉन टी हाफ टू वाला किसके इक्वल होगा? ए वन अपॉन ए टू और इसकी पावर वन माइनस एन. यही होगा. ए वन अपॉन ए टू इसकी पावर वन माइनस एन. रखो क्या है ये? टी हाफ. और ये क्या है? फोर टी हाफ. भाई इसको मैं टी हाफ वन 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 लिखूं और इसको मैं टी हाफ टू लिखूं. ये मेरा ए वन है और ये मेरा ए टू है. यही तो दिया हुआ है, यही है. तो टी हाफ अपॉन फोर टी हाफ ये दिया हुआ है. इक्वल टू ए वन क्या है? सी. ए टू क्या है? टू सी. और इसकी पावर वन माइनस है. टी हाफ से टी हाफ कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट. वन अपॉन फोर किसके इक्वल है बेटा? वन अपॉन टू इसकी पावर वन माइनस है. इन दोनों रिएक्शंस को, इन दोनों इक्वेशंस को रिवर्स करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों को एक साथ रिवर्स करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वन वन आ रहा है. करो आप. यहाँ फोर इक्वल टू टू की पावर वन माइनस एन. मैं इस टू को भी, इस फोर को भी टू के बेस में लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? टू की पावर टू इक्वल टू टू की पावर वन माइनस एन. टू की पावर टू इक्वल टू टू की पावर वन माइनस एन. वही बात, जब ये सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है. वही बात है कि जब उनके बेस सेम है तो ये पावर्स भी इक्वल हो जाती है, इक्वल साइन पे. तो टू इक्वल टू किसके इक्वल हुआ? वन माइनस एन के. यही हुआ टू इक्वल टू वन माइनस एन. किसकी वैल्यू निकाल लिया हमें? एन की. इस एन को इधर ले आओ और इसको यहाँ ले जाओ तो क्या आएगा? एन इक्वल टू वन माइनस टू. मीन्स क्या आएगा? माइनस वन. ऑर्डर जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है और माइनस फॉर्म में भी हो सकता है. तो ऑर्डर तो हमारा माइनस वन भी आ सकता है. चलो आगे. एक और क्वेश्चन देखो. फॉर ए रिएक्शन डाटा दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और टी हाफ दिया हुआ है. शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस. और तब मैंने बोला था कि जब हम हाफ लाइफ करेंगे तो मैं आप लोगों को यहां बताऊंगी. क्या दिया हुआ है? ए 2m 4m और 2m.
बी जो दिया हुआ है वो 2m, 2m और 4m। इनकी हाफ लाइफ में जो चेंजेस दिए हुए हैं वो 40 मिनट्स, 20 मिनट्स और 40 मिनट्स। आपको इसका रेट इक्वेशन निकालना है, रेट लॉ फाइंड आउट करना है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या होता है बेटा आपका, के ए की पावर, हमें नहीं पता कौन सा ऑर्डर है इसलिए हम बी की पावर वाई, क्योंकि हमें इसका ऑर्डर नहीं पता कि ए के रेस्पेक्ट में क्या है बी के रेस्पेक्ट में। अब हम वही निकालेंगे, ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और बी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। देखो मैं पहले वन और टू वाले डाटा यूज कर रही हूँ। वन और टू पे बी कॉन्स्टेंट है, बी की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए। ये देखो यहाँ पे भी 2m था, यहाँ पे भी 2m था, मीन्स हाफ लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी कंसंट्रेशन के कारण आ रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन के कारण आ रहे हैं। तो हम वही फॉर्मूला काम में लें, इसको मैं टी हाफ 1 बोलूंगी, इसको मैं टी हाफ 2 बोलूंगी। ये आपका a1 हो गया और ये a2 हो गया। फॉर्मूला क्या है आपके पास, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 किसके इक्वल है, a1 अपॉन a2 इसकी पावर 1 माइनस है। टी हाफ 1 कितना है 40 मिनट्स, टी हाफ 2 कितना मिनट है 20 मिनट्स, किसके इक्वल हुआ, a1 क्या है आपका 2 और a2 क्या है 4, इनकी पावर 1 माइनस है। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 बचा, ये 2 बचा, 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 1 माइनस है। इसको मैं ऊपर लिखूंगी तो 2 की पावर 1, यहां 1 आ गया, इसको मैं रिवर्स करूंगी तो ये क्या बनेगा 2 की पावर n माइनस 1। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, जब बेस सेम हो और इक्वल साइन हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है इक्वल, n माइनस 1 किसके इक्वल है 1, n इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 1, क्या ऑर्डर आ गया 2, यहां तो सेकंड ऑर्डर, किसके रेस्पेक्ट में a, मींस हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है y, y की वैल्यू निकालने के लिए आपको वो डेटा काम में लेने हैं जहां पे a तो चेंज नहीं हो लेकिन b चेंज हो। कौन से डेटा काम में लेने हैं जहां a चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं b में, तो a ऐसा किस में चेंज नहीं हो रहा, फर्स्ट डेटा और थर्ड डेटा में, फर्स्ट और थर्ड डेटा में। तो मैं कौन से डेटा लूंगी, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला डेटा। अब देखो ये तो चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स ए के रेस्पेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो हाफ लाइफ भी ए से कोई भी चेंज नहीं होगी। किसके कारण चेंज होगी, इस बी के कारण चेंज होगी। तो क्या है ये, इसका a1 होगा और ये इसका a2 होगा, ये वही t1 हाफ और ये t2 हाफ। चलो अब देखो आप फॉर्मूला लगाओ, मैं यहां लगा रही हूं, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 किसके इक्वल आया, a1 अपॉन a2 इसकी पावर 1 माइनस, यही आया। लिखो आप टी हाफ 1 भी 40 मिनट्स है, टी हाफ 2 भी 40 मिनट्स है। देखो आप इन दोनों डाटाज में, ये भी 40 मिनट्स है, ये भी 40 मिनट्स, मींस 40 अपॉन 40। A1 क्या है 2 और A2 क्या है 4 और इसकी पावर 1 माइनस है, इससे ये कैंसिल आउट, मीन्स 1 आया इक्वल टू, ये क्या आया 2, ये यहाँ पे क्या आ गया 2, 1 अपॉन 2 किसके इक्वल हुआ 1 माइनस n की। मैं इसको रिवर्स करूं तो 1 इक्वल टू क्या आएगा 2 की पावर n माइनस 1। इसका बेस मुझे 2 ही करना हो तो मैं क्या करूंगी कि जिसकी वैल्यू 1 आती है, जब हमने कहा था कि किसी की भी पावर मैं 0 कर देती हूँ, एक्स वाई जेड किसी भी नंबर की या किसी की भी पावर 0 कर देती हूँ तो वह 1 आता है। तो मैं इसको, इस 1 को मैं 2 लिख सकती हूँ, 2 की पावर 0, तब भी मेरी वैल्यू क्या आएगी 1 ही। तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, देखो
तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 0 किसके इक्वल आया, 2 की पावर n माइनस 1 के। अब दोनों के बेस सेम हो गए तो पावर सेम होंगी, क्या आएगा, यहीं पे कर रही हूं मैं इसको, n माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, 0, n की वैल्यू क्या आ गई, 1। वैसे भी इस डाटा को देख के आपको पता चल जाना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता। देखो इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस को मैंने डबल किया लेकिन इसका टी हाफ जो है वो चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर निकल के आया, 1। बी के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर निकल के आया, 1। तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। तो इसका रेट क्या बनेगा, रेट के ए की पावर 1, ए की पावर 2, बी की पावर 1। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के हाफ लाइफ से रिलेटेड मेथड्स। आज की क्लास में हमने आपको डिटरमिनेशन मेथड्स समझाए हैं ऑर्डर निकालने के, जिसमें हमने अभी एक मेथड कंप्लीट कर लिया है, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड्स में आपको अलग अलग तरीके की वो देते हैं, मैं कल भी आपको दो चार क्वेश्चंस और कराऊंगी इस पे प्रैक्टिस कि किस तरीके से आपको निकालना होगा। हो सकता है किसी क्वेश्चंस में आपको ए और बी दोनों ही एक साथ चेंज वाली कंडीशंस भी आ जाती है, हम कल की क्लास में वो वाली कंडीशंस स्टडी करेंगे जहाँ पे ए की कंसंट्रेशंस भी चेंज हो रही है। यहाँ तो हमने क्या किया था कि एक किसी एक की कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी और दूसरा कॉन्स्टेंट हो रहा था तो हमने आसानी से निकाल लिया, लेकिन यदि कोई ऐसे भी डाटा आ सकते हैं जहाँ पे ए की भी कंसंट्रेशन चेंज हो और बी की भी कंसंट्रेशन चेंज हो और हाफ लाइफ भी चेंज हो रही है, उस केस में हमें ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।